बलून पड़ता है तो हमारा भाई अभी खाने थे। अभी खिला दो इसको, कच्चे खिला दो इसको। तेरी दादी लेके आई अपने मायके से, चल आजा। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 5 बजे से। तो आज मैंने सुबह सुबह बना दी है खीर, और बाबू को रोज़ रोज़ ना टिफ़िन में पराठा और सॉस ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने आज उसके लिए बना दिया है छोटे छोटे से कप, तो मेरे पास थे नहीं तो मैंने छोटे छोटे से केक बना दिए और उनको बना करके मैंने इसके टिफ़िन में तैयार कर दिए थे। तो ये रहे केक, और इनको ना मैंने ठंडा करने के लिए, जल्दी से ठंडा हो जाए इसलिए मैंने इनको रख दिया था पानी में, क्योंकि बहुत गर्म थे और सुबह के 5 बजे से बनाए तो इनको 1 घंटा तो इनको बनने में वैसे ही लग जाता है। तो उसके बाद मैंने इनको जल्दी से पानी में रख दिया, और पानी में रखने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ना ऑयल ज़्यादा हो गया था आज के इस टिफ़िन में, उसके बाद मैंने इसको तैयार कर दिया था। और इसको इसके साथ मैंने डाल दी थी हल्की सी चॉकलेट, बीच बीच में मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी थी। और ये मेरा बेटा बोल रहा है हाय, ये मेरी मम्मा और ये मेरा टिफ़िन। ये चीज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था तो थोड़ा नीचे ही रुक गया, और मैंने थोड़ा सा चॉकलेट के साथ इसको अच्छे से पैक करके इसको स्कूल के लिए डाल दिया था बाबू के, और इनके बीच बीच में भी चॉकलेट डाल दी थी। तो आपको कैसा लग रहा है स्कूल का टिफ़िन बाबू के आज का, तो ज़रूर बताना, क्योंकि बच्चे रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाने में ना बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसके लिए ये कुछ नया ट्राई किया। बाबू बहुत खुश था, बाबू तो खुश था, और पर बाबू ने घर आके बताया कि स्कूल में इसके के चक्कर में बहुत ज़्यादा बच्चों में हप्पड़ तप्पड़ मच गई, सब बच्चे कोई गुस्सा हो रहे थे कि अर्नव मुझे नहीं दे रहा, अर्नव मुझे नहीं दे रहा करके। तो अगली बार से मैं बनाऊँगी तो कुछ ज़्यादा बनाऊँगी, ताकि और आपको मैं यहाँ पर मुँह दिखाता हूँ। ये मुँह Not bad. Now you. हमारे यहाँ के मून है ये पहले शहद बनाते थे हमारे यहाँ, ये वाले मून हमारे यहाँ आए हुए हैं। ये मून ना ऐसे थोड़ा तटकुना, ऐसे तटकुन ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये हमारे यहाँ के मून है, ठीक है, अभी शहद बना रहे हैं, आपको भी खिलाएंगे ये मून के साथ। सबको बांट देंगे। सोयाबीन सफेद भरते काले भरते आए घूम खिचनी घर गोट ना जान रहे मेरे का इन ही मसाला तो भट्टिया सबसे अच्छे भट्टी वाले होते हैं काले भट्टे। मैंने देखा काल भट्ट थे उन्होंने बड़ी थे ना भैया। हेलो नमस्कार, मैं उषा गौरव शाजवाल #vlog में वो फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब, मैं एकदम बढ़िया हूँ, उष्टि देवी कृपा है, आशा करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे। बाबा ब्रांधिर और माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो ये रही मेरी मेहंदी, इसको मैंने लगाया था एकादशी के व्रत के दिन ये। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने कर लिया आप लोगों को मून दिखा के, मून दिखा के किया, और इसे आप बना रही हैं आप भट्ट सुझा लियो हमून आई पहाड़ के जमीन आ रहे हमून भट्ट सुझा लियो थोड़ा बाजार के बेच ले हमून इसका भट्टे नहीं नहीं दीदी बात दीदी भट्टे से दीदी दीदी हेरियो ना आज नो भट्टे डाल रखे हैं। बहुत दिनों बाद आज धूप दिखी है यहाँ हमारे यहाँ, तो हम सब अभी बैठे हैं तो क्या नाचो मैं मैं तो अंदर बैठी थी पर ये मून का छत्ता देखने के लिए बाहर आ गई। और अब इसमें ये चिप्स हैं, खैर ये तो हमने नहीं खाए मानते हैं, लेकिन इस पापड़ में बहुत नमक हो रहा है तो हमने इसको नहीं खाया। ये वाला चिप्स का वैक्सीन बनून पड़ता इस खाऊ ने छीने वो
दाल खाते खाते बिछिया आज की बनो ना आयो आज भट्टो सड़कान बना दी तुम्हारी फेवरेट है छिने तो आज बना रही हूँ भट्टे की चड़कानी और बापू को लेने तो वैसे तो मैं अभी तक सो गई थी और अभी उठ के जा रही हूँ बापू को लेने क्योंकि बापू बहुत परेशान करता है फिर घर आके आप नहीं आए कहते हैं इसलिए मैं ही जाके लेके आती हूँ। दादाजी आ जाते हैं तो बोलते हैं मम्मा सबकी मम्मा आती हैं आप नहीं आते हो देखा सब बोल रहे हैं तेरी मम्मा कितने दिनों बाद आई ये वो तो इसलिए मैं लेके आती हूँ बाबू को और मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़ जो सुबह इसके दादाजी ने दिखाया था ये देखना ये खतरनाक हो रखे आज हमारे यहाँ भाई ये क्या है बाबू से बचा के रखना पड़ेगा स्कूल और दिखाती हूँ बाबू वो मेरे साथ आने में इसलिए भी खुश रहता है क्योंकि बच्चों के साथ खेलने को मिलता है रास्ते में बच्चे और वो लोग बहुत मस्ती करते हैं आपस में खेलते हैं इसलिए तो अभी मैं चलती हूँ स्कूल और स्कूल से आके फिर आपसे मिलती हूँ हमारे स्कूल की बस हैं देखो मैं आपकी वीडियो बना रही खुशी जतिन क्या हुआ आज को क्या हो रहा है ये स्कूल है तुम्हारा ये है हमारा अच्छा यहीं पढ़ते हो ये सबसे अच्छा बच्चा यही है ये सीधा साधा ना जतिन आप प्यारा कितना लग रहा है मैं गंदा ये तो बहुत ही स्मार्ट है सब लग रहा ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है है ना अब बाय बोल दे फिर चल खुशी बाय बोलो बाय 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 जतिन नमस्कार जी अभी खिला दो इसको कच्चे खिला दो इसको आपको मैं कुछ दिखाऊं इधर आओ जल्दी आओ इसको ना इसके पास कभी मत जाना इधर आओ मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ इस वाले पेड़ के पास कभी मत जाना वो देखो वो उतने सारे हनी हनी भी है ना वो दिख रही है हनी भी फिर वो क्या करती है पता है ना आपको क्या करती है शहद हनी तो बनाती है ना और आपको कार्ड भी देंगी वो ठीक है तो हनी भी के पास नहीं जाते हैं ठीक है इधर से देखो हाय हनी हाय हनी वो हनी तेरी हनी निकाल देगी ये तेरी दादी लेके आई अपने मायके से चल आ जा अब शहद देंगे हमको ना मेरे को दहेज में दिए भाई ये दादी को दहेज में दे रखा है चलो वो वाले दादू नानू ने नानू ने नानू से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं हां बोल दो फिर थैंक यू चलो पहले दादू को प्रणाम नहीं बोलना है कहां है दादू दादू हाँ हाँ मम्मा और दादी निकालेंगे दादी के दहेज भालू कैसे निकालता है अच्छा हाँ उससे तो सीख लेना उससे आ जाओ ड्रेस चेंज करो पसीने से तर हो गए इतनी गर्मी है फिर भी मेरे लड़के को चाहिए कि मम्मा ही आए फैन ऑन करो तो चलो मैं इसकी ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ तो अब दिखाती हूँ मैं आपको आज अर्णव की आज का वर्क ये है अर्णव की आज का मैथ का वर्क हाँ मम्मा हाँ बताओ और इंग्लिश में क्या करा आज मैं वहाँ रिवीजन स्टार्ट हो गया और ये है आज के इसका इंग्लिश का वर्क ये आपने बिना देखे किया ना हाँ, तभी तो ये सैटरडे में आपने एल लिख दिया मुझे पता था टी क्यों नहीं करा मैम ने इसमें रेड पेन लगाया मैंने टी कर रहा था पर गलती से मिस्टेक हो गई गलती से मिस्टेक कैसे हो गई फिर ये कॉपी के तो हाल बेहाल कर दिया हृदय आपने कसम से क्या हुआ
कॉपी बहुत बेकार कर दिया आपने। हाथ पैर उठाओ। क्या आज से ये अब ये सबको लिखना होगा अच्छे से, इनको लर्न करना होगा, ठीक है? मैं तो लेप साफ से भी अच्छी बनाता हूँ। ठीक ऐसे। अभी मुझे खबर मिली कि जो हमारे यहाँ पर को मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया था बेटा, कितना बड़ा जू था, वहाँ पर कुछ भी नहीं बच गया। अभी हाय राम महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।